परिवहन निगम द्वारा दिल्ली, कानपुर सहित अन्य मेट्रो सिटी से आने व जाने वाले यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 270 से अधिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज व अन्य जिलों के लिए बसों के फेरों को भी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, जिससे आने व जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया। होली पे जैसे हमारी हर साल हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो हमारी जितनी भी लॉन्ग रूट की बसेज हैं, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इन तीनों मार्ग पे हमारी बसेज जो चलती हैं, उनके अतिरिक्त हमारी 270 बसेज रहेंगी। और वो 270 बसेज हमारी कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि जो लोग भी वहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद फ्राइडे से ही लौटना स्टार्ट हो जाएगा। आज थर्सडे है, तो सैटरडे संडे छुट्टी है, उसके बाद होली है, तो ये फुटफॉल हमारा वैसे ही बढ़ जाएगा। इसी की तैयारी हम लोगों ने कल कर ली थी और आज से बसें प्रस्थान कर गई हैं। जो भी यात्री वहाँ से लौटना चाह रहे हैं, उनको कोई शिकायत, कोई दिक्कत ना हो, हमारी बसेस में हम लोगों ने 31 बिंदु की पॉइंट, एक चेकिंग होती है, उसको कराते हुए सारी बसेस प्रस्थान की हैं, कि कोई भी समस्या बसों में ना हो और यात्रियों को भरपूर लाभ मिले। इसके अलावा हमारे जो बस स्टेशंस हैं, उनकी भी साफ़ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है, ताकि जो भी भीड़ बढ़े उसकी हम लोग की पूर्व से व्यवस्था रहे। इसके अलावा हमारा जो लोकल संचालन है, इसमें देवरिया, तमकुही, पडरौना, महाराजगंज, छोटी बारी, ये जितने मार्ग हैं, इन पे हमारी बसेज भरपूर मात्रा में चलती हैं। इनके भी हम लोगों ने फेरे बढ़ा दिए हैं, इन बसों के हम लोगों ने लगभग फेरे डबल कर दिए हैं, ताकि जो भी भीड़ हो हम केटर कर सकें और हमारे बस स्टेशन पे जो भी यात्री हैं उनको हम सुविधा प्रदान कर सकें।